तो दोस्तों ये मेरा लास्ट वीडियो यूट्यूब पे। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप सब भाई? हो आप सब ठीक होंगे। इस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज धूप निकली है कुछ दिनों के बाद, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हवाएं चल रही है और सब लोग हो रहे हैं बीमार, हम सब घर में बीमार हो गए हैं। तो मैं 2 दिन बाद ना आई हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत में सुधार हुआ है। मम्मी भी बीमार हो रखी है, सब बीमार हो रखे हैं। ये देखिए बच्चे कहाँ हैं, ये देखिए बीमार है, बैठी हुई है। वर्षिका ठीक हो गई है अभी। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आ रही है, तो मैं यहाँ पे धूप में बैठ गई हूँ। यहाँ पे हमारी चारे काटने वाली मशीन है, तो यहाँ पर चावलों का जो भूसा होता है, पराली होती है, वो लेके आए थे, वो काट के पशुओं को डालते हैं। और पशु भी आज आराम से बैठे हैं, धूप है तो सामने धूप पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठ कर। ऐसे लग रहा है बरसों बाद यहाँ पर बैठे हैं, और बीमारी से खड़े होते हैं तो रात से मिलती है, अभी तक खाना नहीं खाया, 2 बज गया, भूख ही नहीं लग रही है। और देखिए होठ किस तरह से फट गए हैं, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। हम सब में एक पति देव जी बचे हैं जिनको बुखार नहीं हुआ, बाकी सब घर में आ गए मेहमान और सब सो रहे थे, तो खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। कैसे कैसे उनकी आव भगत की वो हम भी जानते हैं। तो एक एक करके सब बीमार हो रहे थे हम, और पूरे गांव में सब लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, ये सर्दी है जो बीमारियों को लेके आई है, बहुत सारी बीमारियां, खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा बचाव रखिए। बच्चे तो मानते नहीं हैं, वो अंदर नहीं रह सकते, और बड़ों को अंदर रहने से घर के सारे काम रुक जाते हैं, सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास नहीं, 2 दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। दोस्तों मेरा ये लास्ट वीडियो है 2022 में, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा 2023 में आएगा, तो बुरा मत मानना, छोटा सा ये मजाक था, इतना तो हक बनता है ना। मेरी फैमिली हो तो फैमिली के साथ इतना मजाक तो बनता है। तो नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, वैसे तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नया साल अप्रैल में शुरू होता है, लेकिन कैलेंडर बदलता है, तारीखें बदलती है, तो नया साल भी बदल जाता है, पुराना हो जाता है और नया आता है। तो कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये साल जा रहा है, मेरे साथ तो मीठी यादें बहुत कम हैं इस साल की, सारी खट्टी कड़वी यादें हैं जो कभी भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो भगवान से दुआ करूँगी, माता रानी से दुआ करूँगी कि यह साल आपके लिए बहुत सारी मीठी मीठी यादें लेके आए, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, मेरी फैमिली हमेशा मुस्कुराती रहे, कभी आपके चेहरों पर कोई शिकन ना हो, कोई गिला ना हो, कोई शिकवा ना हो, बस हंसी हंसी हो। तो दोस्तों विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस में।